वक्त अमेठी रायबरेली से जुड़ी हुई। अमेठी में राहुल गांधी के पोस्टर लग चुके हैं, रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हैं, अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन की तैयारी चल रही है और कभी भी हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। अमेठी में कल राहुल गांधी 12 बजे नामांकन करेंगे, ये तैयारी अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह का संकेत अमेठी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी आलाकमान की ओर से पहुंचा दिया गया है और वहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 भी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये गौरीगंज दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां पर बड़े बड़े कटआउट्स राहुल गांधी के लगाए गए हैं। पूरे अमेठी शहर में जगह जगह कटआउट्स लगाए गए हैं और कल एक रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी। उनके रोड शो को प्रशासन की मंजूरी मिल चुकी है और रोड शो के साथ ही राहुल गांधी कल 12 बजे के आसपास नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं रायबरेली की बात की जाए तो यहां पर भी प्रियंका के पोस्टर लगाए गए हैं। रायबरेली कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के पोस्टर लगा रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि जो कांग्रेस सूत्रों से खबर है, हमारे सहयोगियों ने दिल्ली से जो खबर दी है वो ये कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में इस बार नहीं उतरेंगी। उन्होंने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह पर अब कौन होगा उम्मीदवार, रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस का कैंडिडेट, ये सस्पेंस अभी बरकरार है। तो अमेठी में राहुल गांधी के रोड शो की तैयारी हो चुकी है। कल राहुल गांधी का अमेठी में रोड शो है। राहुल के रोड शो को मंजूरी मिल चुकी है। राहुल गांधी के नामांकन की तैयारी भी पूरी हो गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल राहुल गांधी रोड शो भी करेंगे, अमेठी की जनता के सामने होंगे। 150 से ज्यादा गाड़ियों को मंजूरी मिल गई है। इस रोड शो में 150 से ज्यादा गाड़ियां होंगी जिसकी मंजूरी प्रशासन से मिल चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पूरी तैयारी कर ली है, जो पहले से ही राहुल गांधी का यहां पर इंतजार कर रहे थे और अब राहुल गांधी कल यहां रोड शो करेंगे और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। 12 बजे के आसपास रोड शो के बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बताया ये जा रहा है कि 9:30 से 10 बजे के आसपास अमेठी पहुंचेंगे राहुल गांधी। जो जानकारी हमारे सहयोगियों ने हम तक पहुंचाई है वो हम आपको बता रहे हैं कि कल 9:30 से 10 बजे के बीच सुबह राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे, फिर एक रोड शो करेंगे। 150 से ज्यादा गाड़ियां इस रोड शो में होंगी। प्रशासन की ओर से ग्रीन सिग्नल रोड शो को मिल चुका है, पर्चा पहले ही खरीद लिया गया है और कल 12 बजे नॉमिनेशन करेंगे राहुल गांधी। हालांकि औपचारिक ऐलान का कांग्रेस की ओर से अभी भी इंतजार है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में, जो कि अमेठी का केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं ये वो रथ है जिसके जरिए कल राहुल गांधी नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और इसको अब सजाया जा रहा है। हाथ बदलेगा हालात, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। इसमें राहुल गांधी के साथ गठबंधन के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की फोटो लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये एक रथ बनाया जा रहा है जिसके जरिए राहुल गांधी पहुंचेंगे और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर भी इस तरह के कई वाहन जो हैं वो राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। इस गाड़ी पर जो कांग्रेस की मैनोफेस्टो है उसका जिक्र किया गया है, 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया है। ऐसे में क्या तैयारी की गई है नामांकन की, उससे जुड़ी जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह साहब। अनिल सिंह साहब, क्या क्या तैयारियां की गई हैं, ये रथ सज रहे हैं? ये रथ है और यहाँ की सारी पब्लिक, भारी संख्या में लोग रहेंगे और हमारे सब पदाधिकारी रहेंगे, कुछ यहाँ के जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं वो रहेंगे, हाथी घोड़ा सब लोग जो काम करता है सब राहुल गांधी के स्वागत में आके खड़े रहेंगे। तो हाथी घोड़े भी जाएंगे कलेक्ट्रेट तक? नहीं, कलेक्ट्रेट नहीं जाएंगे, लोग स्वागत में खड़े रहेंगे जगह जगह। जी हाँ, तो क्या क्या और कब तक उनके यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है और कौन कौन बड़े नेता शामिल हो सकते हैं नामांकन? राहुल गांधी जी रहेंगे, पूरा परिवार रहेगा, आदरणीय सोनिया गांधी जी रहेंगी, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, वाड्रा भी संभवतः रहेंगे जो सुनने में आ रहा है, पूरा परिवार रहेगा और हमेशा आते थे, कोई पहली बार नहीं, हमेशा लोग आते रहेंगे। कितना उत्साह है इसको लेकर? बहुत उत्साह है, बहुत बहुत भीड़ का, आप देखिएगा अपार भीड़ रहेगी क्योंकि 2019 में लोगों ने अपना सम्मान और गौरव खोया था, एक भूल हुई थी लोगों से, पुनः वापस पाने के लिए अपने नेता के लिए सब लोग लालायित हैं, कल अपार भीड़ के साथ अपने नेता का स्वागत करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये वो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि कल
भारी भीड़ के साथ राहुल गांधी अमेठी में नामांकन करेंगे और उसी की तैयारी के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त अमेठी के गौरीगंज स्थित जो कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है वहां पर इस रथ को सजाया जा रहा है और कल राहुल गांधी इसी रथ पर सवार होकर अमेठी के कलेक्ट्रेट पहुंचकर अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि फ्रंट पर भी जो गठबंधन के साथी हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का फोटो लगाया गया है, साथ ही साथ राहुल गांधी का भी फोटो नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी कल जब नामांकन के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ और कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अमेठी में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। 4 जून को अमेठी की जनता ने किसके पक्ष में फैसला किया ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अमेठी में दिलचस्प लड़ाई सभी को देखने को मिलेगी। कैमरामैन अनिल मौर्य के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अमेठी। और अमेठी से राजीव सिंह, रायबरेली से मोहन, दिल्ली से शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी के पास चलेंगे। राजीव, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, अमेठी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तैयारी रोड शो को लेकर हो रही है, ठोका पीटी देखने को मिल रही है, तुरंत के तुरंत पोस्टर ठोके जा रहे हैं, गाड़ी तैयार की जा रही है, वो रथ तैयार किया जा रहा है जिस पर राहुल गांधी नजर आएंगे रोड शो के दौरान। ये बताइए, पोस्टर में दो लड़कों की जोड़ी वाली तस्वीर दिख रही है, इस बार भी अखिलेश यादव की भी फोटोग्राफ है, क्या वो भी नजर आएंगे? अब देखिए, यकीनन क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, जिसके तहत आप देख रहे होंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त तौर पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक ये तमाम जो अमेठी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं उस ऑफिशियल लिस्ट का, जिसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। वैसे तय हो चुका है, क्या उम्मीद है, कब तक ऐलान होगा, कितनी देर में लिस्ट आएगा? यहाँ उम्मीद ऐलान की नहीं, कल नया सुबेरा होगा, जब सूर्य की रोशनी खिलेगी तो हमारा नेता यहाँ पर आके, कल नामिनेशन का दिन है, अब कोई जो ना घोषणा की जरूरत नहीं है और हमारे नेता को कोई घोषणा की जरूरत नहीं है। अमेठी घोषणा की जरूरत नहीं, क्या तैयारी है कल के लिए? हम लोग उसी तैयारी में लगे हैं, कल के नामांकन की तैयारी में, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना अमेठी में जनसैलाब उमड़ेगा कल नामांकन में, कि राहुल में गांधी परिवार में अमेठी हो जाएगी कल। जैसा कि आपने सुना कि जनसैलाब, बिल्कुल राजीव, तैयारी 4-5 दिन पहले ही कांग्रेस दफ्तर को धो पोंछ कर तैयार किया गया, साफ सुथरा किया गया और अब रोड शो की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, कल की सुबह के साथ ही अमेठी के लिए नए दिन की शुरुआत होगी, नया सुबह आ जाएगा। रायबरेली से मोहन है, लेकिन उससे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शंकर, भले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंतजार ना हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली की जनता को जरूर इंतजार होगा कि आखिर कांग्रेस इतना वक्त क्यों ले रही है और कौन वो चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, इंतजार और कितना? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में 10 बज चुके हैं और 10 बजे का एक जो इंतजार हो रहा था कि 10 बजे तक नाम की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। और अगर इतिहास के पन्ने को अगर पलटते हैं तो कांग्रेस के इतिहास को देखा जाए तो आज की जो तारीख है और साल 1981 की वो घटना जो है वो याद आती है, जब राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी पहली बार सियासत में पैर रखे थे और उस वक्त में यही वो समय था जिस तरह से जो स्थिति बनी है वो आखिरी वक्त में, आखिरी दिन में उन्होंने नामांकन किया था, क्योंकि साल 1980 में राजीव गांधी के भाई जो संजय गांधी है वो पहले वहां पे अमेठी से चुनाव लड़ते थे, हालांकि बाद में उनके इंतकाल के बाद अचानक जिस तरह से दुर्घटना हुई उसके बाद आखिरी दिन में, आखिरी वक्त में राजीव गांधी वहां से नामांकन किए थे, तो वो वाली घटना जो है वो आज फिर से दोहराई जा रही है, वही घटना याद आ रही है। और निश्चित तौर पे अगर कहा जा सके अमेठी की बात, शंकर वाकई ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सीट पर आखिरी पल में कैंडिडेट को लेकर अनाउंसमेंट हो। बीजेपी ने भी रायबरेली से आज ही अपने कैंडिडेट को अनाउंस किया है, कैसरगंज से आज ही अपने कैंडिडेट को लेकर अनाउंस किया है, लेकिन राहुल गांधी 15 साल यहां से सांसद रहे, पहली बार वो अमेठी नहीं आ रहे, 15 साल यहां से सांसद रहे, पिछले लोकसभा चुनाव में हार है और इस बार भी राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा था कि वो यहां से लड़ेंगे, वायनाड के मतदान के बाद लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐलान नहीं हुआ, तब लोगों के मन में तो आएगा कि आखिर ये दूरी क्यों,
क्या राहुल गांधी कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है कि राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे, उनके वहां होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता अमेठी पर, या फिर कोई और वजह है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रायबरेली का रुख कर लेते हैं, वहां का हाल भी जान लेते हैं। मोहन हमारे साथ रायबरेली से मौजूद है। रायबरेली में भी प्रियंका गांधी के पोस्टर लग चुके हैं मोहन, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि जो रायबरेली का इंतजार है प्रियंका को लेकर वो अभी इंतजार ही रहेगा। प्रियंका यहां पर चुनाव प्रचार में जरूर आ सकती हैं, लेकिन शायद लड़ेंगी नहीं। जी मेनका, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पे दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी, उनका उत्साह भी देखते बनता है। वो अभी भी औपचारिक ऐलान के इंतजार में हैं कि कब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है यहां पे प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान करे, जिसके बाद जो उनकी तैयारियां हैं उसको और मुकम्मल हो जाएं। जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस ने जो है रोड शो जुलूस की अनुमति भी ले ली है, सारी तैयारियां पूरी हैं और इनको 100% ये यकीन है कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इंतजार करते हैं हम भी उस लिस्ट का जिसमें अमेठी और रायबरेली से कैंडिडेट्स के नाम होंगे, और तब देखते हैं कि आखिर कांग्रेस की ओर से किन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है, फिर लौटेंगे आपके पास। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर में प्रियंका गांधी एक रैली के दौरान भावुक हो गई है। दरअसल प्रियंका गांधी पार्टी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में मुरैना में रैली कर रही थी, और इसी दौरान प्रियंका अपने पिता राजीव गांधी को याद कर रही थी और भावुक हो गए। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी, मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है,